आरजेडी के विधायक फतेह बहादुर सिंह ने एक पोस्टर लगाया। उस पोस्टर को आप पीछे हमारे देख सकते हैं, जहां उन्होंने मंदिर को लेकर के सवाल उठाया है और उन्होंने लिखा है कि मंदिर का मतलब मानसिक गुलामी का मार्ग और स्कूल का मतलब होता है जीवन प्रकाश का मार्ग। जब मंदिर में घंटी बजती है तो हमें संदेश देती है कि हम अंधविश्वास, पाखंड, मूर्खता और अज्ञानता की ओर बढ़ रहे हैं, और जब स्कूल की घंटी बजती है तो यह संदेश मिलता है कि हम तर्कपूर्ण ज्ञान और वैज्ञानिकता व प्रकाश की ओर बढ़ रहे हैं। अब तय करना है कि आपको किस ओर जाना चाहिए। यह बात सावित्री भाई फूले के समय में सावित्री भाई ने खुद जो है वो कही थी, मगर इसको लेकर के जहाँ बीजेपी आरजेडी को सनातन विरोधी बता रही है तो वहीं माली समाज के नेता का भी गुस्सा फूटा है। उन्होंने क्या कुछ कहा है वो सुनिए। आरजेडी विधायक जो है वो सावित्री बाई फुले का बात जो है वो कह रहे हैं कि सावित्री बाई फुले यही कहा करती थी कि मंदिर नहीं जाना, शिक्षा की ओर बढ़ना है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सब बात को जो है सो अनगर बात है, इस सब बात को कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ, ये जो है शिक्षा की मतलब शिक्षा जो है सो देवी है, शिक्षा मतलब जो है सो पूरे जो है सो भारत पे जो है शिक्षा अपना प्रचार प्रसार की प्रथम शिक्षिका है, ये सब मान सकते हैं, मगर ये सब बातों को कोई लेना देना नहीं। उनकी अपनी मतलब राजनीतिक एजेंडा है, वो अपना सेट कर रहे हैं, मगर इन लोगों से हम लोग को कोई ना, हाँ हम लोग आज उनका मतलब जो है सो हम लोग मतलब कल जो है जयंती है, और देखिए बहुत दिनों से हम लोग जो है जयंती मना रहे हैं, और जयंती मनाने का आज वो जो है सो स्टार्ट किया है। इससे पहले कहाँ जयंती मनाता था? हम किसी भी पार्टी की बात करते हैं, हम मतलब एक आरजेडी की बात ही नहीं करते, कोई भी पार्टी हो, हम लोग जो है सो शुरू से जो हर मतलब देखिए आज जो है सो औरंगाबाद, जहानाबाद, उसके बाद गया और कई जगह मतलब छपरा, सब जगह हम लोग मना रहे हैं और माली समाज से आ रहे, तो इसी सबका कोई होना। सनातन विरोधी जो है वो कहीं ना कहीं बता रही है भाजपा के तरीके से सावित्री बाई फुले का नाम लेकर के ये बात कही गई है, क्या सावित्री बाई फुले भी सनातन विरोधी थी? नहीं, हम लोग आस्था में विश्वास रखते हैं, मानी समाज से वो आ रहे मतलब थे और हम लोग आस्था में विश्वास रखते हैं। देखिए, किसी का भी उनका अपना एजेंडा है, एजेंडा सेट किए हैं, इससे हमको हम लोगों को कोई वो नहीं। माली समाज इसका विरोध करेगा? नहीं, हम तो देखिए उनका, हम तो बोले ना, वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, हम लोग का कोई वो नहीं है। हम लोग सीधा जो है सो हम आस्था पे हम लोग विश्वास रखते हैं, ठीक है। उनका एजेंडा अलग था, मेरा एजेंडा अलग है, हम लोग जो है सो हाँ उनका जो नीति और सिद्धांत है, हम लोग जो है सो हर मतलब जो है जगह जो है सो फैलाने का काम करेंगे और ले जाने का काम करेंगे। आपने सुना किस तरीके से माली समाज का गुस्सा फूटा, उनके नेता ने खरी खोटी सुनाई है, जो आरजेडी के नेता हैं उनको। अब आप क्या कुछ सोचते हैं इन तमाम बातों को लेकर के, क्या सचमुच सनातन पर हमला हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है? आप हमें कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट जरूर बताएं।